प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। शासन का निर्देश है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना है, जिससे कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा, सड़क सुरक्षा से जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास है कि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जाए और एक अभियान चलाकर कार्यवाही करना है। इसमें सभी विभागों के लोगों को एक साथ आना होगा। सभी विद्यालयों को जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एडीएम श्री विनीत कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, आरटीओ अनीता सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने कहा, सबका योगदान होना है, राइट फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, राइट फ्रॉम होम, जहाँ पे हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे PWD या अन्य जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं जो रोड मेंटेनेंस करते हैं, रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट संस्थाएँ बनाती हैं, रोड लाइटिंग्स की सर, खास करके शहरों में नगर निगम है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सबके रोल हैं। एंड फाइनली इन्फोर्समेंट जब आता है तो दो डिपोर्ट्स करना है, फॉलो दी रोड सेफ्टी रूल्स, ये सब समन्वित रूप से किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो मकसद है, जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है सर, हम लोग जो यहाँ पे वर्क किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और ACS का डाटा लिए गए हैं सर, जनपद के धार्मिक स्थलों से अथवा उनकी आवाज कम करा दी गई है और धार्मिक संवाद अब भी चल रहा है, ताकि सड़क पर किसी प्रकार का कोई आयोजन ना हो और ऐसा कोई आयोजन अभी तक होना विकास में नहीं आया। सभी रोड सेफ्टी से संबंधित जो विभाग हैं उनके साथ बैठक की गई
और उन सबको जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने VC में निर्देशित किया था, सभी को समन्वित रूप से रोड सेफ्टी मेजर्स का पालन करवाना है और इसके लिए जो भी अपेक्षित है वो कार्रवाई करनी है, ताकि जो प्रतिदिन और प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट्स के कारण जो मृत्यु होती हैं उनको पूरी तरह से कम किया जा सके। ताकि मैंने बताया कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जो अभियान चलाया जा रहा है रोड सेफ्टी मेजर्स का, और जिसका मेन मकसद है जो एक्सीडेंट्स में डेथ हुई हो रही हैं उसको कम करने का, और उसके लिए सभी विभागों द्वारा एक अभियान के तौर पे कार्रवाई करना है। तो इसमें कोई फॉल्ट फाइंडिंग का नहीं था, इसमें सभी विभाग को एक साथ मिलकर के जो भी, जैसे इंजीनियरिंग विभाग के लोग थे, रोड इंजीनियरिंग में जो अपेक्षित सुधार करना है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को काम करना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जो अवेयरनेस फैलाने में जो लोगों की मदद करेंगे, चाहे स्टूडेंट हों, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, इन सब को अपने अपने जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देशित किया गया है, निर्देश किया था, उसके क्रम में एक रिव्यू के तौर पे आज ये मीटिंग की गई और यहाँ काफ़ी अच्छा काम लोगों ने किया है और आगे भी आज जो डिस्कशन हुआ इसके उपरांत सभी ने ये श्योर किया है कि आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार काम करेंगे और रोड सेफ्टी मेजर्स लेते हुए सड़क सुरक्षा के लिए जो भी अपेक्षित है वो कार्रवाई की जाएगी, ताकि रोड एक्सीडेंट्स और रोड डेथ्स को पूरी तरह कम किया जा सके।